से आना चाहूंगा आपके पास, आप किस रूप में देखती हैं, क्या गुजरात में फंसी हुई है भाजपा? हिमाचल प्रदेश के बारे में तो बहुत सारी बातें हो ही रही हैं, लेकिन गुजरात की बात करें, और जिसमें गृह मंत्री बनाम और भी बातें हो रही हैं जो अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे हैं। जी राजीव जी, राजीव जी, गृह मंत्री के बारे में बहुत बात हो रही है, तो गृह मंत्री अहमदाबाद में ही हैं, काफी दिन से डेरा डाले हुए हैं और आज भी हैं, अहमदाबाद में ही हैं, और जैसा कि लगता है वो अभी पूरा महीना वहीं रहेंगे। तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय में ताला लगा के गए हैं और गृह मंत्री ने गृह मंत्रालय में ताला लगा दिया है। देश चल रहा है राम भरोसे और चल भी जाएगा, क्योंकि उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो संभाल लेंगे। गलती कुछ हुई तो ब्यूरोक्रेट्स को ही सजा भुगतनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आज कल गुजरात में हैं, बेटर है इससे जो तो दिल्ली की राजधानी, दिल्ली से उठा के राजधानी गुजरात में शिफ्ट कर देना चाहिए था, कब का आराम रहता, क्योंकि इतना खर्चा होता है बार बार सेफ्टी में और सिक्योरिटी में, तो बेटर है कि वहीं से चलाते। दूसरी बात, आपने पूछा भाई ये क्या स्थिति रहेगी, बीजेपी की क्या स्थिति है, कांग्रेस की क्या स्थिति है, आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है। आम आदमी पार्टी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, और कांग्रेस के बारे में मैंने आपको बताया है कि साइलेंटली जो काम हो रहा है। अब देखिए, मीडिया ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया से, तो आप गोदी मीडिया से तो उम्मीद कर ही नहीं सकते कि कांग्रेस के बारे में कुछ दिखाए, लेकिन मुझे थोड़ी हैरत है कि सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं उनके खुद के रिपोर्टर्स तो है नहीं ग्राउंड पे। सोशल मीडिया पे जो चैनल्स हैं, न्यूज चैनल, न्यूज पोर्टल्स बने हुए हैं, उनके खुद के रिपोर्टर्स तो रेयरली किसी 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 के वहां पे हैं ग्राउंड पे, लेकिन वो यहाँ बैठ के बार बार सवाल ये कर रहे हैं कि कांग्रेस कहीं नहीं है। आप जाइए, दिखाता कोई नहीं है। देखिए, आज राधनपुर में कांग्रेस की एक परिवर्तक रैली हुई है, परिवर्तन यात्रा के दौरान की, उसमें इतनी भारी भीड़ है कि आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। दूसरी जो आदिवासी नेता है कांग्रेस के, अनंत पटेल, वो उन्होंने अपनी संघर्ष यात्रा शुरू कर दी है कल से, और 440 किलोमीटर की संघर्ष यात्रा वो 10 दिन में पूरी करेंगे। कहीं पे खबर है इस बात की? कहीं खबर नहीं है। मतलब कोई दिखाई नहीं रहा है, ये इंटेंशनली नहीं दिखाया जा रहा है ताकि कि लोगों को पता ही ना चले कांग्रेस क्या कर रही है। लेकिन कांग्रेस को जो इस वक्त चुनाव हो रहे हैं वो वोट गुजरात में मिलना है, नेशनल मीडिया नेशनल लेवल पे तो मिलना नहीं है कि यूपी बिहार राजस्थान गुजरात से राजस्थान या मध्य प्रदेश से वोट मिलेगा। इलेक्शन हो रहे हैं गुजरात में और वहां की जनता को मालूम है, जो जनता राधनपुर की रैली में आई हुई है, वहां भारी भीड़ जमा है, तो वो उनको मालूम नहीं है उनके यहाँ चुनाव हो रहे हैं और वो कांग्रेस के समर्थन में यहाँ आई है। तो सोशल मीडिया के न्यूज चैनल्स कुछ भी दिखाएं या गोदी मीडिया दिखाएं, वो खुद अपने ही पेशे से बेईमानी कर रहे हैं अगर वो सच्चाई नहीं दिखा रहे। और मैं सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर हैरान हूं, क्योंकि उनमें से अधिकतर चैनल्स जो हैं बड़ी अच्छी पत्रकारिता कर रहे थे अभी तक, लेकिन गुजरात चुनाव आते ही पता नहीं क्या बेसुधगी, क्या वो अचानक से कुछ जादू मंतर हो गया उनके ऊपर, अचानक से कांग्रेस का विरोध शुरू हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग नहीं चाहते कि कांग्रेस का वहां परफॉर्मेंस अच्छी रहे उनका, तो उसका तरीका ये है कि ऐसा माहौल बना दो कि कांग्रेस के विरोध में कि लोगों को लगे कि कांग्रेस तो है नहीं। लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ, आप मैं और आप भी यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इससे गुजरात वालों के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। हम तो नेश और अदर देन गुजरात हम खबर दे रहे हैं लोगों को कि भाई चल क्या रहा है, हम अपनी सोर्सेस के आधार पे दे रहे हैं खबर, वो ग्राउंड की तो हमें भी न्यूज दूसरे के जरिए ही मिलती है। तीसरी बात, एक प्रशांत टंडन जी ने बात कही थी कि भाई उन्होंने अभी बीजेपी ने तरीका बदल दिया, सारा रवायतें बदल दी चुनाव के करने की, जो चुनाव होते हैं। इसमें एक रवायत और भी है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, मैं चाहती हूँ लोग बात करें उसके बारे में। देखिए, ये मोदी साहब ने चलाई है ये रवायत कि राज्य की विधानसभाओं के चुनाव हो और प्रधानमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल और उनकी भाजपा शासित मुख्य राज्यों के मुख्यमंत्री वहां चुनाव प्रचार करें, चाहे वो वहां की लोकल म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन भी क्यों ना हो। पहले जमाने में अगर आपको याद हो, मुझे तो फेंट सी मेमोरी है और उस चीज की जो बहुत सीनियर्स हैं, वेटरन्स हैं, वो ताकीद भी करेंगे, पहले जमाने में सेंट्रल लीडरशिप चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो बहुत कम जाते थे राज्य विधानसभा चुनावों में। प्रधानमंत्री की एक रैली हो गई, बहुत हो गया, एक आध मंत्री सेंट्रल से चले गए, बहुत हो गया, राज्य के नेता खुद ही चुनाव का प्रचार प्रसार करते थे। अब ये नया चैनल नया हो गया है कि प्रधानमंत्री खुद कार्यालय में ताला लगाए बैठे हैं अपने,
तो सबके ऊपर ये डंडा बरस रहा है कि आप क्यों नहीं आए। अपना अपना तरीका है हर किसी का, और जिसको कहते हैं रिवाज को बदलना पड़ेगा। इतने एक्सपेंसिव चुनाव कर दिए हैं भाजपा ने, तो वो हर किसी के बस की बात नहीं है, और चंदा नहीं मिल रहा है विपक्षी पार्टियों को, ये सब तो ऐसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो इसमें जो जो पिक्चर सोशल मीडिया के चैनल्स अनफॉर्चुनेटली पेश कर रहे हैं या गोदी मीडिया पेश कर रहा है, पिक्चर वैसी ग्रिम नहीं है। वहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि कांग्रेस का सफाया हो गया और बीजेपी 150 सीट ले गई। बीजेपी की सीटें भी गिरेंगी और कांग्रेस की सीटें अगर बढ़ी भी नहीं, आप वर्स्ट सिनेरियो मान लीजिए कि नहीं बढ़ी, तो 66 सीट तो अभी भी है उनके पास। दूसरी बात, एक ये कहा जाता है कि कांग्रेस के 77 सीट थी और अब 66 रह गई है। आप ये बात तो बहुत प्रचार में आ रही है कि 11 एमएलए वहां चले गए कांग्रेस के, ये कोई बात नहीं कर रहे कि 66 एमएलए आज भी वही टिके हुए हैं। आप ये देखिए, मोदी का खौफ, ईडी, आईटी, सीबीआई का खौफ तो उन 66 को भी होगा, वो क्यों टिके हुए हैं वहां पे? इसका मतलब उनकी वफादारी, उनकी निष्ठा कांग्रेस पार्टी के प्रति है। और जो जिनकी निष्ठा इतने मुश्किल समय में भी पार्टी के साथ बनी रही है, तो क्या उनको रिवॉर्ड नहीं देगी उनकी जनता वहां की? तो ऐसा नहीं है, गहराई में जाने की कोशिश करें और ग्राउंड रिपोर्ट पे विश्वास करें, ना कि गोदी मीडिया पे या सोशल मीडिया के कुछ जो पक्षपाती चैनल बोल रहे हैं। मैं उस पे विश्वास नहीं कर रही हूँ, मैं ग्राउंड से ही रिपोर्ट पे विश्वास कर रही हूँ। बिल्कुल, मैं जानता हूँ मीनू जी की आप ग्राउंड